झूठ तो नहीं हो सकती। इन एक साथी ने उसे बारे में मरवाया, मैं पहले ही वीडियो पा चुका हाँ कि सिंगर होंगे ना या गैंगस्टर होंगे ने किसी सके नहीं होंगे, इन्होंने एक दूजे के बंदे मार लेंगे ने। गुरबाणी, सिख इतिहास, सिख फिलोसफी, सेवा सिमरन, रामायण, गीता, कुरान शरीफ ते बाइबल तो कहां दूर होंगे ने, जीवन कोई अच्छा नहीं होंगे। हां जे इन्हों हौली हौली ढालिया जाए तो शायद अच्छा हो जाए, पर एक कर्म आड़े लगा के आए उन्होंने बंदे मारे मारे असी ना मोशनली ब्लैकमेल होके यूट्यूब से भर दिने, क्योंकि असी ना मगर लगने गाण के असी मगर लगने कला के, सू नहीं पता कि अंदर कलाकार मेजोरिटी सारे नहीं कौडी देनी होंगे, इस करके ना ज्यादा इंडियन लोग मोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं तो कमले हो जाते हैं। तो मैं तो इंडियन बारे कहंगा मेजोरिटी इंडियन बारे जिमें कमली यार की कमली अजी खबर मेरी जा रही है, उसने कहा कि विक्की पिंड खेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए उसे बारे को मारा है। उसने बताया कि मैं वार लारेंस दोनों फाजल का के गांव के रहने वाले हैं, सिद्धू मूसे वाले को मारने से संबंधी उसने कहा कि हमने किसी प्रचार या विरोधी या किसी स्टैंड के लिए कत्ल नहीं किया, हमने अपने भाई विक्की मिड खेड़ा के कत्ल का बदला मूसे वाले से लिया है। उसने कहा यह बात जग जाहिर है कि मूसे वाला ने मारे भाई विक्की का कत्ल करवाया था जिसमें भी गैंगस्टर पकड़े गए थे, वह कौंसल गैंग के शूटर थे, इन सभी ने इसके नाम यानी सिद्धू मूसे वाले का खुलासा किया था, दिल्ली पुलिस वाला ने मीडिया सामने इसका नाम लिया था। उसने कहा कि हमारा आदर्श शहीद है और हम बजरंग बली के श्रद्धालु, वाह वाह बजरंग बली है, इस गांधे में दूजे हमारी चलो करंडा बैठे गोल्डी गैंगस्टर संबंधी उसने कहा कि वह हमारा बड़ा भाई है, वाह वाह सारे भरा बड़े वही आओ मजा आ गया बंदे का, और उसके भाई का भी लोगों के कत्ल तो उसके भाई का भी लोगों ने कत्ल कर दिया था, करी चलो कत्ल जो करे सो भरणगे तो का प्योदास। वो कहते साडे कोल एडे एडे हथियार है, कहते असीं नाण को नहीं दसना, ना दसो रब तो वड्डे तो नहीं हो गए तुसीं, तुसीं हॉलीवुड की फिल्मां देखे हो, ये फिल्मां ने सत्यानाश किया है बेड़ा गर्क होया फिल्मां का। उसने आगे कहा कि इन लोगों ने मनकीरत आलोक को दो दिनों में मारने की धमकी दी है, वाह जी वाह अजे कसरे मारी चलो बंदे, तो कहिंदा कहने से कुछ नहीं होता करके दिखाओ, वाह वाह सीधा ही चल है दसो है कोई सरकार ना केंद्र सरकार ना राज सरकार, मैं तुहानूं इक गल कहांगा ममता बैनर्जी नूं छड्ड के सारिया राज सरकारां ते केंद्र सरकार भंग कीती जांदी है, नेक दिल हिंदू जैनी बोधी भारती ईसाई सिख ते इवन अंग्रेज सारे इकट्ठे हो जाओ सारा संसार असी आप ही चला लांगे, ते जिहड़े होणगे सही उहनां नूं थलियां ते चुकांगे, जिहड़े गलत पहला प्यार ना समझावे तो पढ़ के लंबे पाने सानू आंदे ने। गुरु गोबिंद सिंह का फरमान है जुगार दिल ते तरगुदस हलालस गुरदन बाद शमशीर दस, जो प्यार दे सारे हिरदे वसीले फेल हो जाण तां पटापा फिर करना जरूरी है। मैं नहीं चाहता कोई बंदा कानून नच लवे ना कोई किसी नूं मारे, जे मूसे वाला विचार नहीं रखदे मारन की कोई लोड़ नहीं सी, कानून अपना काम करन दिंदे ते ना कोई किसी नूं जख्मी करे। हां जिथे कोई शरारती बच्चे हो ना चाहे कोई हो उन्होंने फड़ के ना दो चार ला दया करो तो गल सुझा दया करो तो पता लगे कि भाग दी है। असी मेजोरिटी लोग हो गए बुजदिल, असी वेखी जा रहे हैं सियासी लोग सियासी रोटियां सेकी जाते हैं, गैंगस्टर अपना काम करी जाते हैं, असी बैठे बुजदिल वेखी जाने, वो साडा देश है भाई साडा ही संसार है, असी नरक ना बन दईए तो तगड़े होइए, ये ताकत आनी जी साडे च अपने अपने धर्म नाल जुड़ना। गुरबाणी पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, बाइबल पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो, तो कोशिश करो तो चलन की, ज्यों ज्यों भगती करोगे त्यों त्यों आत्म बल आएगा, तो ज्यों ज्यों आत्म बल आएगा तुहाडी जिंदगी स्टेबल होएगी। मैं सारे संसार के लोगों नूं चार गल्लां कहना चाहना, सब तो पहला अपनी हैल्थ ते फोकस करो, अर्ली मॉर्निंग उठो, सैर करो, योगा करो, वर्जिश करो, फिर तुसीं की करो अपने कैरियर ते फोकस करो, क्योंकि जो पेट ना पईआं रोटियां सबे गल्लां खोटियां। तीजा पॉइंट है कि अपने अपने पेरेंट की सेवा करो, पेरेंट साहब के सुनान होंगे ने,
ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਲੜਦਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਓ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੀਏ ਤੇ ਛੱਡੀਏ ਪੜੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੋਈ ਡਿੱਟੋ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਬਦਲੀਏ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕਰੀਏ। ਕਿ ਲੁੱਕ ਲੁੱਕ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੁੱਕ ਲੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਲੁੱਕ ਲੁੱਕ ਮੁਰਗੇ ਵੱਢਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਓ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਪਛਤਾਵ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੋਗ ਲਓ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੋਹਣਾ ਭਾਰਤ ਬਣਾਓ, ਸੋਹਣਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਓ। ਆਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।